ॐ गणेशाय नमः। बात करें परिवारों में खुशियां लाने की और खुशियां लाने का जो सिलसिला शुरू किया है कानपुर शहर में, बल्कि कई लोगों ने कहा है कि नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके से प्रावी का नाम बढ़ता जा रहा है और उसको बढ़ चढ़ के आगे लाने के लिए एक फैमिली हमारे बीच में है, त्रिपाठी फैमिली, और जिनके मुखिया एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उसके साथ ही साथ एक टीचर भी हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरीके से उनके परिवार में सिलसिला ये खुशियों का आना शुरू हुआ। सर, सबसे पहली चीज़ कि एक ऑफिसर के तौर पे और एक फैमिली के लीड पर्सन के तौर पे काफ़ी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा, और कैसे आपने डिसाइड किया कि ये एक जगह आपके परिवार को बढ़ाने के लिए, खुशियों का जरिया लाने के लिए सबसे उचित जगह? इनफैक्ट मई 2016 से पहले हम कई जगह, कई डॉक्टर्स के पास, कई हमारे जो धर्म गुरु होते हैं उनके पास, कई मंदिरों में, कई मस्जिदों में, कहीं चर्च पर, जैसा जिसने बताया कि वहाँ पर जाइए आपको सफलता मिलेगी, वहाँ मत्था टेकने जाइए, वहाँ प्रसाद बोलने जाइए, वहाँ निरंतर 5 मंगलवार जाइए, वहाँ 5 शुक्रवार जाइए, वट एवर जो भी जिसने बताया सब कुछ किया। उसके पश्चात 20 मई से 30 जून तक मेरे कॉलेज बंद हो जाते हैं, मैं छुट्टी आया, मैंने एक जो राजस्थान में टेस्ट ट्यूब सेंटर है, आई थिंक इट इज़ इन जयपुर समथिंग, जयपुर और समथिंग इस जगह कहीं पर, जब हमने ऐड देखी उनको कॉल किया, पेपर में देखा तो कॉल किया। उससे पहले मेरे दिमाग में टेस्ट ट्यूब का कोई विचार ही नहीं था कि टेस्ट ट्यूब से भी इस तरीके से कुछ हो सकता है। उनको कॉल किया, उन्होंने कहा आपको आना पड़ेगा, उसको आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इतना करना पड़ेगा, फिर आपको जब हम बुलाएंगे तब आना पड़ेगा। बीइंग इन सर्विस, मैं स्वयं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ, एडेड कॉलेज में, इसके पहले भारतीय वायु सेना में कार्यरत था, उसके बाद परिषद में बेसिक शिक्षा परिषद में 7 साल था, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा मैं यहाँ पे कानपुर नगर में, वर्तमान में भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी हूँ माध्यमिक शिक्षक संघ में। तो जब देखा कि कहीं मुझको सफलता नहीं मिली, जब ने उनकी ऐड देखी, ऐड देखने के बाद मुझे लगा कि इससे भी कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती, तो उन्होंने कहा हर बार आपको आना पड़ेगा, आए दिन 15 दिन 10 दिन हफ्ते भर में, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी, संभव नहीं था कि हर बार मैं यहाँ कानपुर आऊँ और इनको लेकर के जाऊँ सेटिस्फाइड। उसके पश्चात जब मैं मैम के पास गया, मिसेस मोनिका शुक्ला के पास और डॉक्टर रित शुक्ला से जब मेरी बातचीत हुई, तो मुझे लगा चाहे वो ऊपर वाले की देन कह लीजिए, चाहे प्रभु की इच्छा कह लीजिए, इनका बातचीत का जो तौर तरीका था, ऐसा लगा एक परिवार के सदस्य हैं, ये डॉक्टर नहीं, वास्तव में ये प्रावी टेस्ट ट्यूब सेंटर नहीं है, ये मेरा परिवार है, यहाँ निश्चित सफलता मिल सकती है। जो इनका एक बातचीत का तरीका और जो इनका गाइडलाइन था, जो इनकी मतलब कहा जाए कन्विंसिंग पावर थी, बहुत अच्छी थी। और मई 2016 की बात है ये, उसके पश्चात इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और हमें कभी हम नहीं भी हुए तो तुरंत कॉल करके जो इनके स्टाफ रहा मौके पे, एक बार मैम को मुझे याद है कि शायद मेरा घर का सदस्य भी नहीं कर सकता इतना, कॉल किया, मैं यहाँ पे नहीं था, मैडम को कुछ प्रॉब्लम हुई बच्चे की वजह से, कॉल किया गया, दैट टाइम मैडम वाज आई थिंक इन सिंगापुर, एंड देयर स्टाफ दे हैव कॉल देम कि मैम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आफ्टर 5 मिनट्स सी कॉल्ड अस बैक कि क्या प्रॉब्लम है, और प्रावी टेस्ट ट्यूब ने तुरंत रिप्लाई किया कि मैम ने ये बोला ये दवा ले लीजिए। इससे बेहतर और इससे अच्छा हमको नहीं लगता कि कहीं भी किसी हॉस्पिटल में हो सकता है कि इंडिया से बाहर भी कोई फॉरेन हो और 5 मिनट में उस डॉक्टर का रिप्लाई मिल जाए कि यस ऐसा नहीं ऐसा करिए। तो हम तो यही चाहते हैं, एक टेस्ट ट्यूब नहीं है, ये तो एक भगवान की अलौकिक देन है, टेस्ट ट्यूब सेंटर ये बहुत रेयर होता है, और रियली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मेरी भगवान से यही इच्छा है कि ऐसे ही कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें, नॉर्थ इंडिया नहीं, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया, और आफ्टर दैट ये वर्ल्ड में भी अपना नाम रोशन करें, भगवान से मेरी यही दो, जो हमको खुशियाँ मिली हैं और जो भी यहाँ आए उसको इससे ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त हों, इससे ज़्यादा खुश होकर के जाए। आज हमें जो दिखाई दे रहा है इस पे कम से कम 50 पेयर तो ऐसे होंगे संभव, जो मेरे सामने, कि जो इसी परेशानी से त्रस्त थे, वो हर जगह उन्होंने भाई लोग गए होंगे, बहनें भी गई होंगी, परेशान रहे होंगे, अंततः यहाँ आकर उनको सफलता मिली, इसी तरीके से मिलती रहे, और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मैं पुनः इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि वास्तव में डॉक्टर नहीं, भगवान का ये एक रूप है, वैसे भी डॉक्टर को एक भगवान का रूप ही कहा जाता है, कि भगवान इसी तरीके से सफलता देते हैं।